शमिता शेट्टी ने बिग बॉस के घर में एंट्री को लेकर कहा एक बहुत बड़ा झूठ करण जौहर के सामने। आखिरकार क्या झूठ कहा शमिता ने, क्यों कहा झूठ, क्या है पूरी खबर, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं कि बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म में शमिता शेट्टी द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल सेंसेशन की एंट्री हुई। हालांकि रिसेंटली राज कुंद्रा केस को लेकर शमिता शेट्टी भी काफी सुर्खियों में बनी रही। ऐसे में शमिता शेट्टी के आने की खबर काफी शॉकिंग लगी सभी फैंस को, क्योंकि फैंस को लगा था कि शमिता अपने दीदी को यानी शिल्पा को अकेली छोड़कर नहीं आएंगे इस सिचुएशन में। लेकिन शमिता शेट्टी का कहना था कि मुझे बिग बॉस का शो काफी पहले ऑफर हो गया था और मैंने इसे पहले ही साइन कर लिया था। सिचुएशंस कैसे भी हो, काम नहीं रुकने चाहिए, इस वजह से मैंने बिग बॉस में आने का फैसला कर लिया। हालांकि सच्चाई तो ये है कि शमिता शेट्टी को शो स्टार्ट होने के सिर्फ 4 दिन पहले ही अप्रोच किया गया और इस अप्रोच करने के बाद शमिता ने झट से हाँ कह दिया था। तो हालांकि शमिता शेट्टी ने क्यों बोला ये पूरा झूठ ऐसे सभी के सामने और करण जौहर को, ये तो काफ़ी बड़ा एक सवाल है। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है कि शमिता शेट्टी बिग बॉस के घर के अंदर क्यों आई है और क्या है उनका मकसद खास तौर पर? आप कीजिए गेसेस हमारे कमेंट सेक्शन में। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।